जय हिंद प्यारे साथियों, आज मैं आपको परसेंटेज का एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ जिसपे हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सभी भाविक एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड साबित होने वाला है। जैसे अगर देख लें कि यूपीएसआई, यूपीपी और अपकमिंग यूपी पुलिस की, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिखिए आप, 30% ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन डी 17.5%, ऑप्शन सॉरी सी और ऑप्शन डी 33.1/3%। ये आपके सामने क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आरआरबी 2003 और 2007 दोनों में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने दोनों पूछा गया था। जहाँ तक कल हम समाप्त किए थे उसका क्वेश्चन बचा था, इसको हल करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हल्का क्या करता है, यहाँ पर लिखो सबसे पहले व्यय, फिर यहाँ पर क्या लिखो बचत। व्यय बचत को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आय बनेगा। बात कंफर्म हुई, उसकी व्यय कितना है 76% व्यय करता है, बचाता कितना है 24%। बात सही है, 76% व्यय करता है 24% बचाता है। तो आय कितनी है टोटल 100%। चार से काटिए, 4×4=36, फिर तो काट दिया 4×6=24 और 4×25=100। बात यहां तक आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि, कितने परसेंट 20 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद वृद्धि होने पर व्यय में कितने परसेंट वृद्धि 15% की, तो उसके बचत में लगभग कितने परसेंट वृद्धि, तो यहां पर के परसेंट मान लो, कैसे मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा, 25×50 500% माइनस ये 15×135 हासिल दे रहा 15×15=3, 18×10=28। अब देखिए 6 के बराबर घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 300, 215 आएगा। या के बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए यहीं पर, 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो के बराबर 215/6, 6×3=18, 3 बचा यहाँ पर, 3×35 हो गया, 6×6=36, लगभग 36% आ रहा है। ऑप्शन कोई मिल रहा है नहीं, इसमें एक ऑप्शन बना लो 36%, ऑप्शन डी बना लो, डी क्या हो जाएगा 36%। तो इनमें से क्या आ जाएगा ऑप्शन 36% सही जवाब होगा। सेम जैसे पिछले सवाल थी सेम वैसे ही है। अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था क्या, बस ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, यहां से लिखता हूं। एक कार के उत्पादन में, एक कार के उत्पादन में 3 मदे सम्मिलित हैं। यहां लिख रहा हूं ऑप्शन ए 5%, बी 7%, सी है 6%, डी 8%। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी 2005 में। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेना, करना कैसे है अगर लिख चुके होंगे। एक कार के उत्पाद में देखो, एक कार के उत्पाद में 3 मदे सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं मदे, 3 कौन कौन से हैं, एक तो है कच्चे माल की कीमत, दूसरा श्रमिकों पर व्यय और तीसरा है अतिरिक्त मदे। ये इन तीनों का रेशियो 4:3:2 का रेशियो दिया है, जो भी इनका खर्च था, मतलब इन जो ये तीनों काम है कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर व्यय कितना करते थे और अतिरिक्त मदे कितने था, इन तीनों पर जो खर्च था 4:3:2 के अनुपात में था। फिर क्या कह रहा है कि अगले वर्ष में कच्चे माल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर श्रमिकों पर जो श्रमिकों पर व्यय था उसमें 8% की वृद्धि हुई, परंतु अतिरिक्त मदों पर जो खर्च था वो 5% घट गया, इस पर 5% घट गया। एक कार की कीमत में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है, तो वृद्धि हो रही कमी हो रही क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है
आप उसे ज्ञान करिए, ठीक है, हल करिए, देखते हैं कैसे कर लेते हैं। माल की कीमत क्या है, यहाँ पर मैं कच्चे माल की कीमत के लिए लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनना है। फिर श्रमिकों पर व्यय मतलब एक्सपेंडिचर को ई लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है, अतिरिक्त मदे मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर ई एक्स है तो यहाँ पर ई एक्स्ट्रा मदे है। इन पर क्या है, 4:4:3 कितना है, 2 है। टोटल कितना बन जा रहा है, 4×3 = 7 = 9 बन जा रहा है। अब क्वेश्चन समझना है, फिर क्या कह रहा है, इनके अगले वर्ष जो वृद्धि हुई थी कच्चे माल कीमत 10 में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, पर 4 में 10% की प्लस कर दो। फिर इस पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, व्यय में एक्सपेंडिचर ये है 3 पर 8% की वृद्धि हो गई। फिर इस पर 2 पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 5 कमी हो गई। तो यहाँ पर कमी का मतलब माइनस लगाना, इतनी सी कहानी याद रखना। तुम टोटल को 9 के मान सकते हो, 9x मान लोगे, क्योंकि पहले इतना था तो अब वृद्धि होकर बढ़ा कि घटा है। अगर ये योग, ये वाले योग इसके योग से अगर कम आएगा, इससे अगर ये कम आएगा तो कमी होगी, अगर इससे ज्यादा आएगा तो वृद्धि होगी। बात समझ पा रहे हैं, 10 जो को 40% + 8 = 24% यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10 = 9 के इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 14 40 10 50 4 54% = 9 के 9×6 = 54 मतलब कितना आ गया, 9 के आपका 9% ओ सॉरी 6% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 6। समझ में आया, एक आदमी है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के आपके सवाल आएंगे तो इसको करेंगे कैसे, इस बात को ध्यान नहीं है कि जितना भी रेशियो है सभी रेशियो को लिख लेंगे, लिखने के बाद इनको जोड़ करके कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, 9 या 6 जो आपकी इच्छा हो मानना मान लेंगे। अगर नहीं मानेंगे फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके लिए, अगर नहीं मानना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसमें जितना वृद्धि हुई केवल उतना वृद्धि करिए, इसमें जितना वृद्धि हुई इतना वृद्धि, इसमें कमी दिखा दे तुम्हें क्या करना है, माइनस कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है, 5 × 10 - 10 ब्रैकेट आओगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसको जोड़े कितना हुआ, ये 64 में से 10 = 54 है ना, तो 54 × 9 = 54 हो गया। अगर आप चाहते हो सर हम के भी ना माने तब कैसे हल होगा, तो उसके लिए भी है, ध्यान समझना। तो पहले कितना था, योग 9 आ रहा था ना, वृद्धि करने पर कितना जा रहा है, इस बात को ध्यान देंगे, कितना जा रहा है 54। तो पहले 9 था अब कितना गया 54, कितने गुना बढ़ी, 6 गुना। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, है कि नहीं, बस आपका सीधा सीधा यही इतने प्रतिशत आंसर आ जाएगा। इसको किसी और लंबे फॉर्म में करने का मत सोचिए, एकदम मानो कि एकदम बेस भी है, एकदम शार्ट भी है, एकदम ट्रिक भी है, ये सब कुछ इसी में मेंशन है। बस आपको इसको जैसे कह रहा है वैसे करना है, जितने भी प्रकार के आय व्यय से परसेंटेज में क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर बनेगा ही नहीं। ये सबसे रामबाण तरीका सबसे कम समय के लिए है, मैं सबको बता रहा हूँ, छापिए जल्दी से। किसी परिवार के 14 से 1/8% ऑप्शन बी है, 7 से 1/8% और ऑप्शन सी है 50 से 1/8% 50 से 1/8% और ऑप्शन डी है 28 से 1/8% 28 से 1/8% और एक क्वेश्चन आपके SSC 2007 में पूछा गया है, SSC इन सभी क्वेश्चनों को ज्यादा उठा रही है, हल करिए इसको। ये भी है, बस क्या है, चावल मछली और खाद्य तेल, यहाँ पर लगा लो चावल, क्या लिखोगे चावल, यहाँ पे लिखिए मछली, यहाँ पर क्या लिखेंगे खाद्य तेल, क्या लिखेंगे खाद्य तेल। अब लगा दो 12 लिख दो, 17 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 3। अब देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये पूछ रहा है टोटल कितना होगा, उसमें टोटल आए थे ना, ये भी तो ऐसे है 17 3 20 10 30 तो अच्छा 32
बात तो सही है, इसमें कितने परसेंट सब में वृद्धि हो रहा है ना, लगा दो 20%, इसमें लगा दो 30% और इसमें लगा दो 50, ये तो बहुत लंबा वृद्धि कर दिया। कितना कर दिया, लगा दो 240 होगा, 17 × 51 = 510 होगा, 50 × 3 = 150 बराबर कितना होगा 32, इसे के मार दो, इसमें के परसेंट वृद्धि हो रही है ना, तो बराबर होगा सबका के परसेंट का, जोड़ डालो। कैसे जोड़ोगे ध्यान से देखना, देखो 100 × 600 × 6 = 800, 8 × 1 देखो 850, 760, 900, 900% सही है ना, बराबर 32 के। अब देखिए इसे कैसे करोगे, हम इसे देखो ये 9 × 100 करेंगे, 4 × 8 = 32, 4 × 25 = 100, 25 × 9 = 225, यही तो आएगा ना, बटा में 8 लगा दो, भाग करिए इससे 8 × 1, यहां पर देखना 8 × 2 = 16, 4 × 22 = 4, 4 × 1 = 45, 8 × 5 = 40, आपसे नहीं मिला क्या, 8 × 2 = 16, 16 × 6 = 22 होगा ना, तो 8 × 2 = 64 × 65, ये होगा। बताना चाहिए यार कि सर जी आप गलत जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में एक बार फिर से बता दो, यहाँ 900 ना, इसको जोड़ने पर 900 आया था। अब काटिएगा, कैसे काटेंगे, मैंने इसको काटा कैसे, मुझे सर लगा काटने का तरीका, मैं यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ, जहां यहाँ पर क्लियर हो रहा है जितनी दूर लाइन खींचा हूं। हाँ तो देखिएगा, आप 9 × 100 कर सकते हैं ना, 9 × 100 कर सकते हैं, 8 क्यों हमने, क्योंकि मुझे पता अगर 4 से कटेगा तो 00 तो 4 से पक्का कट जाएगा, हमने इसीलिए कहा था 25 और 4 × 2 = 1 मिनट, गलती तो नहीं होगी, अच्छा 8 = 32 था सॉरी, यहाँ पर 4 × 8 अब समझा, 25 × 225 / 8 करके 28 सही, 1/8% ला दिया, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को फास्ट करिए, बस पूछा गया एसएससी सीजीएल 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन को हल करिए, मैं इसको 2-3 मेथड बताऊंगा और सब एकदम अपने आप में आम भूमिका निभाएंगे, हल करिए। नीला अपनी आय का 20% मार्क आने किराए पर तथा शेष का 70% खर्च करती है, तो जो कुछ बचता है बचाती है। सबसे पहले देखो हम एक तरीका बता रहा हूं कि पहले समझिएगा, टोटल परसेंट इनकम कितनी होती है 100, अगर 100 में 20% खर्चा कर देता है तो कितना बचता है 80। अब फिर क्या कुल आय का नहीं कह रहा, शेष का जो बचा हुआ धन ये है, इसका 70% घरेलू पर खर्च करती है, अगर 70% घरेलू पर खर्च करेगी तो बचेगा कितना 30। हाँ, टोटल देखिए घरेलू पर 100 होगा, अगर उसमें से 70% घरेलू पर खर्च करेगी तो बचेगा कितना 30, यही तो उसकी बचत है ना, यही तो बचत है, बटा में 100, 0 से 0 8 × 3 = 24, अब ये 24% बचा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं 24% बचा रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे 24% किसके बराबर है, 300 मतलब 3600 के बराबर है, 24% 3600 के बराबर है, तो 24 कितनी बार जाएगा, 8 से काटते हैं वो 4 से, कितनी कटेगा ये 6 × 24 = 36, अब 100 बनाना है, 25 से मल्टीप्लाई, 25 × 6 = 150, 2 0 और छक्का तो है ना, आया समझ में, अगर मैंने काटा यहाँ पर इतना आया तो इसके बराबर आ गया, एक तो तरीका ये है, इसके हल कर तो दूसरा तरीका बता दिया, पर देखना कि एक और सरल तरीका क्या है, मान लो कि क्या कर रहे, उसकी कुल आय को तुम क्या मानो, यक्ष मान लो, क्या मानोगे यक्ष मान लो, तुमने मान लिया कुल आय को यक्ष मान लिया ना, फिर अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करता है, सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि अंत में क्या क्या रहा, वह 36% 3600 रुपए की बचत करता है, इसीलिए अगर 100 में 20% खर्च करता है बचा कितना रहा है 80%, अपनी आय का 80% बचा रहा है, बात बराबर बन गई, अपनी आय का 80% बचा रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है,
उसके बाद ये तो हो गया ना, अब इसका क्या कर रहा है, सेल्स का 70% घरेलू पर खर्च कर रहा है। अब इसका 70% घरेलू पर खर्च करे, बचा कितना रहा है, 30% बचा रहा है, 30% यहां पर लिख दो 30/100 लिख दिया। ये 30% क्या कर रहा है, बचा रहा है, क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब ये किसके बराबर हो गया, यही बचा रहा ना, बस यही बराबर हो गया 36। क्वेश्चन क्या है देखो, दो जीरो से दो जीरो कटा, दो जीरो से दो जीरो ये कटा। अरे नहीं नहीं, ये इससे थोड़ी ना कटेगा, एक मिनट रुको, ये गलती कर दिया। 80/100 गुणा में 30/100 बराबर 3600 के आएगा, इसको उधर ले चलेगा। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो बच गया, देखो 12 कम बढ़ दिया ही, 4 दोना 4 दिया ही, 2 50 में 100। अब देखो बचा क्या, 5000 में 300 मल्टीप्लाई, यहां पर 50 आएगा ना, 5 दिया 15000। सुन जाए, जिसको कंफ्यूजन लगाओ थोड़ा सा, मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, एक बगल से हाइड कर रहा हूँ। इसके तीन तरीके बताऊंगा, अगला ध्यान से समझना है। अगला क्या है, इसी को मैं फिर बता रहा हूँ, x का 80/100 गुना में 30/100, ये इतना तो समझ में आया है ना, बराबर में 3600 है, ये बात है। फिर देखिए बटा में एक मानिए, इन दोनों के देखिए बराबर में 63 गुणा होता है, ये दोनों ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3600। ये इसको मैं यहां पर सीधा इतना लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 80 गुना में। अब जैसे तुम्हारा मन के तुम ऐसे कर दो, 1 0 से 1 0, 8 चौको 32, 4 बचा 8 5 40। समझ आया, 1 0 से 1 0, 15 किया 15 एकम 15000। एक तरीका तो ये आ गया। अब एक तरीका जरा और ध्यान से देखो, एक तरीका और देखना चाहती हूँ। ये सवाल बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं इसको बहुत सरल बना दिया, इसको रख कर दे रहा हूं। अब एक तरीका क्या है, पहले देखो 20% खर्चा कर रहा है ना, तो बचा कितना रहा है। देखो यहां पर हम क्यों बचत ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर रुपया बचत की बता रहा है। अगर यहीं पर कहता कि जो इतना खर्चा किया, इतना खर्च किया, फिर उसके बाद उसका कुल खर्चा इतना आया, तब तो हम उसके बराबर करते है ना, तब तो घटाते ही ना किसी में। यहां पर कह रहा है अगर ये 80% 20% खर्च करता तो बचाता कितना है, 80। 100 में से कितना बचा रहा है, 80 रुपए। ध्यान समझना, 100 में से कितना बचा रहा है, 80 रुपए। फिर 100 में से कितना बचा रहा है, 70 खर्चा करने के बाद 30 बचा रहा है। ये टोटल आमदनी है, ये उसका क्या है, इससे जितना काट कर सरल करना कर लो, 20 चौको 80 20 पंजे 100, 0 से 0 कंची। अब इसको 10 बचे 50, 4 तिहाई 12, यहां तक समझ में आ गया। ये बचत है, ये कुल आमदनी है, तो यहां पर बचत 12 ना होकर किसके बराबर है, 3600 के। बाबू साहब कितने गुना है, आप कहोगे सर जी 300 गुना है, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से, आ गया ये गरीबों वाला तरीका, 5 15000 आया कि नहीं आया। साथ सबसे सरल ये लगा क्या, जो इच्छा कर सो उतारो, उतारो फटाफट, छा बोलोगे बेटा, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 95। आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, 20%, और शेष का 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिया। तदनुसार उसके पास दान करने के पश्चात उसके पास बचते हैं 1400 रुपए, तो उसको उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या टोटल उसकी आय कितनी है,
फटाफट निकालो, फटाफट उसकी आगे उस धनराशि का 20% खर्च करता है। तो बचाता के देखो एक तरफ तुम्हें क्या लिखना है कि यहाँ पर क्या दिया, पहले देखना कि आपको एक तरफ तो आय लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है। अगर यहाँ पर पैसे बचा रहा है तो बचत लिख रहा है परसेंट में, अगर कह रहा है कि खर्च किया है तो खर्च लिखना है। यहाँ पर बचाता है ना, यहाँ पर बचत लिख दो, क्या लिखोगे बचत, स्टार्ट चिन्ह नहीं, आय तरफ बचत लिख दो। अगर टोटल आय 100 है, 100 में से 20% तो खर्चा कर दे रहा ना, बचा कितना रहा है 80। फिर क्या कह रहा है, और शेष का फिर जो भी पैसा है 100 रुपए, 100 रुपए में क्या कितना खर्चा कर दे रहा है 5, बचा कितना रहा है 95। उसके बाद 20 रुपए, देखो 120 रुपए दान कर देता है। ये तो परसेंट का मैटर था, ये तो परसेंट का मैटर था ना। अगर मैं कहूंगा कि 120 रुपए अगर वो दान ना करता, क्या 120 रुपए दान ना करता तो उसके पास कितना होते, 1400 में 120 जोड़ोगे 1520 होते हैं। इसको ऐसे देखना, अब इसको पहले सरल करो, कितने से काटोगे 0 से 0, 2 5 10, 2 4 20, 20 5 100, 19 5 95, 20 5 100 आ गया। ये कितना 19 4 76 आ गया ना। ये क्या किया, बचत किया है, क्या किया है बचत किया है। अब मेरे हिसाब से तो 76% बचत किया, लेकिन उसके हिसाब से कितना बचत किया है, 1400 में 120 जोड़ दो, 1520, 176 का कितने गुना है, 20 गुना है ना, 0 लगा दो, 2 6 12, 2 7 14 15। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकम कितनी आ गई 2000 इनकम आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो उसके द्वारा परिवहन पर, परिवहन कहाँ है 5%। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किसका 5%, 80 का मतलब शेष का 5% खर्च किया था ना, यही तो होगा 20 चौक 80 20 5 100, ये तो क्या हो गया 505 कट गया, 1/4 खर्चा किया। एक मिनट, तुम्हारे इतना आ गया ना। अब ये पूरी इनकम आ गई, पूरी इनकम का देखो 180 क्या था, 80% बचा था ना, 80% का 5% खर्च कर रहा है, 80% का 5%। अब देखो यहां पर 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, 20 चौक 80 20 5 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना 40 गुना 80, ऑप्शन नंबर। यहां पर क्या गड़बड़ा जा रहा था, इसके पहले समझ आया ना, टोटल आय है, टोटल आय का पहले क्या खर्च कर दिया 80 20% खर्चा कर दिया, बचा 80%, तो 80% तो फिर 5% निकालेंगे ना, इस बात को विशेष ध्यान देना है, ठीक। हल करिए पहले, बस फिर से क्यों ना, एक अधिकारी के वेतन में 10% किराए के लिए काट रूप में काट लिया जाता है। देखो यहां पर उसका लिख दो वेतन, और यहां पर क्या लिख दो उसका बचत। वेतन बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। अगर वो खर्च 10% तो बचत कितना हो रहा है ये बताइए, 90%। बात बराबर आय टोटल वेतन कितना होगा 100, ध्यान से है ना। फिर अगला क्या है, 15% बच्चों के शिक्षा पर, अगर 15% खर्च कर दे रहा है शिक्षा पर तो बचा कितना रहा है, टोटल वेतन कितना है, और क्या है, फिर यहाँ पर 10% और खर्चा कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है 90, बराबर कितना होगा 100। बस अब क्वेश्चन समझना है कि ये हमें जोड़ के लिखना है या ये लिखना है, ये क्या कर रहा है बचत ना, तुम्हें बचत वाला लिखना है, ठीक है ना। इसकी कहानी हो गई समाप्त, क्या हुई कहानी समाप्त। अब देखना, रुक जाओ, बहुत कर चुके हो, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, इसे काटिए 20 पड़ जाएगा, 5 इसे काटिए 17 पड़ जाएगा, इसको गुणा कर दी कितना है ये,
ये आएगा कितना 2000 आएगा, ये कितना आएगा 9981 नौया। अब ये 2000 और ये 17 + 1 = 17, 17 × 136 = 137। अब 137 पे मेरे हिसाब से बचा रहा है, लेकिन रियल में कितना बचा रहा है 1377 मेरे हिसाब से। इसके हिसाब से ये क्या हो गया, बात बराबर एक गुना है, तो इससे भी एक गुना मतलब क्या हो जाएगा, यही इनकम वेतन। देखो कितना आसान तरीके से आ गया, आया कि नहीं आया, बस यही 2000 अगर यहाँ पे तुम्हारा आया था ना, इसके बाद नहीं समझ पाया क्या करना है, हल करिए। जो सीएस वाला है ना, ये सबसे बेटर है ना, जो आपको और बताया जाता है ना, या तो ऐसे करा टोटल कितना है 100 में 10% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 10, तो बचा रहा है 90%। अब 90% में 15% किराए पर, 90 में से अगर यानी 15% किराए पर खर्च करेगा तो बहुत झमेला बताएंगे, तो बचेगा 85 का निकालो 90% 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 × 2 = 1 लगाओ यहाँ पर, 9 × 5 = 45, 9 × 72 = 4 = 76 इतना आएगा। अब 76.5 को फिर 10% निकालो, 10% खर्च करा मतलब 90 बचा रहा है। अब यहाँ से 0 से 1 काटो, 9 × 5 = 45 निकालो, 9 × 6 = 54, 54 + 4 = 58 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 63 × 5 = 65, 2 × 5 = 2। ये इतना अब बताओ, इतना लंबा निकाला बताओ, ये इतना परसेंट क्या करा, बचा रहा है। अब इतना परसेंट किसके बराबर होगा, 1377 के बराबर होगा, तो इनकम टोटल 100 थी, 100 किसके बराबर होगा, 1377 बटा में 68.85 गुना में 100। इसको करते करते तुम्हारा पेपर छीन लेंगे, कहेंगे चलो बच्चा बस करो, तुम्हारा पेपर जमा हो गया है कि नहीं, बताओ। वो सेस कर रहा है ना, बताओ, मैं सच में कह रहा हूं कि शायद ये तरीका आपको जल्दी कहीं पर कोई नहीं जाए। मैं YouTube वालों से भी कह रहा हूं, ये तरीका जो है ना, इतना सक्सेसिव केस का तरीका, इतना सक्सेसिव केस का तरीका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से जितने भी शेष का तुम इस तरीके से करते चले जाओ, तुम्हारा शेष गया भाड़ में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे छात्रों, आपको कैसा लगा मेरा क्लास, यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तभी कमेंट बताना सर क्लास अच्छी लगी, खराब लगी होगी फिर भी बताना खराब लगी, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक जरूर करना, अगर अच्छी लगेगी ना तो साथ में शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करना, जिससे आपका भी परिवार बढ़ सके, आपके जरिए मेरा भी परिवार बढ़ सकेगा, तो हम लोगों में जितना कनेक्शन रहेगा हम लोग उतने बड़े फैमिली में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।